छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिजली दामों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी, आवारा मवेशियों की समस्या समेत कई मुद्दों पर बात की और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिजली दामों में बढ़ोतरी से बीते दो महीनों से सभी के घरों का बिजली बिल दोगुना आ रहा है और जनता को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही। इधर सरकार को 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के निराकरण की चेतावनी दी है, जिसके बाद सभी शासकीय कार्यालयों में आवारा पशुओं को लेकर जाकर छोड़ के आएंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी घोटाले को लेकर बात की और कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये अनर्गल आरोप है, इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तकलीफ ये हो रही है कि इसकी घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद, हम जो युवाओं के साथ जो छल हुआ है और उस पर तो साथ में खड़े होना चाहिए, जो गलत किया है उसको दंड मिलना चाहिए और उसने वादा किया था, वचन दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में तीसरी बार जनदर्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से आमजन अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचे। जनदर्शन में एक दंपति सीएम ने अपनी समस्या लेकर पहुंचा और उन्होंने ये भी बताया कि वह पेशे से शिक्षाकर्मी है और उसका दिव्यांग पुत्र है। दोनों ही अलग अलग जगह पोस्टिंग होने से बेटे की देखभाल नहीं हो पा रही है, इसलिए दंपति ने एक जगह पोस्टिंग देने के लिए सीएम से गुहार लगाई। सात माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार गलत निर्णय, विष्णुदेव सरकार का गलत निर्णय है। घोषित तौर पर सरकार का दावा है कि 8% घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दो माह से सभी के घर का बिजली बिल दो गुना आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, वहीं के नागरिकों और उद्योगों का महंगी बिजली खरीदने को मजबूर। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर नगोई में नाले पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध कब्जा हटते ही जल का बहाव फिर से शुरू हुआ। आपको बता दें कि कलेक्टर अविनाश शरण के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर है, तारा घाटी के पास मोरेगा चौकी क्षेत्र का हादसा। यात्रियों से भरी बस और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे के बाद दोनों वाहन लगभग 25 फीट गहरी खाई में जा गिरे। घटना के बाद मौके पर मचा हड़कंप, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल। और शराब घोटाला मामले में सबसे बड़ी खबर, अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी को रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट में किया गया पेश। सड़क के रास्ते वैन से ईडी द्वारा लाया गया था मेरठ से रायपुर, थोड़ी देर बाद गिरफ्तार कर सकती है ईडी, इसके बाद न्यायिक रिमांड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर अविनाश शरण तारबाहर स्थित घोड़ा दाना प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने स्कूल में व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर को बताया कि स्कूल में जगह जगह कमी है, साथ ही भवन की मरम्मत की जरूरत है, जिसके बाद कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को मरम्मत करने के निर्देश दिए।